दोस्तों हमारा भेलपूरी रेडी हो चुका है। इसे मुड़ी मिक्सर बोलें या भेलपूरी बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो सादा सिंपल है दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना और मैं अभी आपको खा के बताऊंगा। ये रहा एक निवाला, आ जा यार, आ जा, आ जा, हाँ एक निवाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज तो कुछ खास नहीं है, लेकिन वीडियो तो बनता है ना दोस्तों। तो मेरी पत्नी खाना खाने जा रही है और क्या क्या खा रही हैं आपको दिखाते हैं। ये ने मिर्चा और प्याज को मसल दिया है दोस्तों, नमक मिला के, और उसके साथ ये रहा दोस्तों हमारा बड़ी, इसको तला गया है। इतना ही खाना दोस्तों, और ये भी खाना बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर खाए होंगे आप तो कैसा लगता है आप तो जानते होंगे। और अगर ये बासी भात होता, बासी पखाल होता, बासी चावल होता ना, तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता। अच्छा खाओ तो दोस्तों हो गया मेरा पत्नी का खाना, वो खाना स्टार्ट कर रही है। कुड़मुड़ा सा बड़ी, मुरमुरा सा बड़ी, सूखा भात के साथ बड़ी, आह मज़ा अलग है दोस्तों, क्या बताएं। आह थोड़ा झोल आ गया चावल पे। तो दोस्तों धूप उधर से पड़ रहा है, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा टाइप का थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। काफ़ी लाइट भी है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने अभी आप नहा धोवा लिया है, पूरा नहा के थोड़ा सा धूप में बैठा हूँ क्योंकि थोड़ा ठंडा लग रहा था। तो धूप में बैठ के मैं खाऊँगा। तो दोस्तों आज मेरा पेट ज़रा भारी भारी लग रहा है क्योंकि कल बहुत कुछ खा लिया था, जो नाश्ता वगैरह, समोसा वगैरह, और बहुत दोस्तों ये इधर उधर का खाना खा लिया था, इसलिए आज ठीक से डाइजिन नहीं हो पाया, हजम नहीं हुआ दोस्तों। इसीलिए अभी मैं थोड़ा हल्का फुल्का खाना चाहता हूँ, लेकिन तो बोलते हैं ना जो नहाने के बाद जो मूढ़ी नहीं खाते, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट किया हूँ। कुछ देर के बाद मैं खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा झाल मुड़ी बना के। तो दोस्तों आप तो झाल मुड़ी जो पसंद करें, जो पसंद करते हैं वो लाइक कीजिए, जो पसंद नहीं करते कोई बात नहीं। और दोस्तों तो मेरी पत्नी तो खाना खा रही हैं, सूखा खा रही हैं। अगर मैं खाता तो मेरी पत्नी बोला कि मैं अगर खाऊंगा तो तभी आइटम बनेगा, यानी कुछ भी जो भजा वगैरह फ्राई वगैरह करेंगे, और मैं तो नहीं खा रहा हूँ ना चावल, अभी नहीं खाऊंगा दोस्तों। अगर भूख लगेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, रात को खाऊंगा। तो उसने बोले, मेरे पत्नी ने बोले कि आप खाओगे तो बनाएंगे ना, नहीं हाँ मैं खाऊंगा तो बनाएंगी, नहीं तो नहीं बनाएंगे, वो सूखा खा रही हैं, सूखा भात। तो दोस्तों माइंड मत करना, आज कुछ नया खाना के लिए नहीं ला पाए। ओ देखिए वहाँ मेरी ससुर जी वहाँ बैठ के खाना खा रही हैं, तो बने रहना दोस्तों वीडियो में, और भी है बहुत कुछ। तो दोस्तों आ गया है सरसों का तेल, ये रहा मिक्सर, देखिए बूंदी वाला मिक्सर, बूंदी वाला मिक्सर, आह बूंदी वाला मिक्सर। ये एक प्याज है, लीजिए इसको काटिए। ये रहा दोस्तों काला नमक और ग्रीन मिर्चा कहाँ गया, ये रहा दोस्तों भुजा मुड़ी, जो भी बोलेंगे आप। तो दिखाते हैं आपको आगे।
तो दोस्तों सब कुछ जुगाड़ हो गया है, ग्रीन मिर्चा प्याज को काट दिया है, लेकिन वो वहाँ उससे काटा लेकिन इसलिए ये लंबा लंबा हो गया है। तो दोस्तों मूढ़ी को डालते हैं, एक हाथ में डाला नहीं जा रहा दोस्तों, फिर भी डालते हैं। बस 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 हो जाए थी। अभी इसमें ये मिक्सर डालेंगे दोस्तों, देखिए डाल दो चारों तरफ से। हाँ हो गया, अब लाओ ये। हाँ ज़्यादा कुछ सामान ही नहीं है दोस्तों हमारे पास, इसलिए इतना ही सामान पे हम कर रहे हैं नाश्ता। दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है, फिर भी नाश्ता खाने का मन किया तो अभी दोस्तों डालते हैं काला नमक। चारों तरफ से अच्छे से मिलाइए, और मुझको थोड़ा नमक ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा नमक दे रहा हूँ। हो गया, थोड़ा सरसों का तेल, इसको भी अभी जाएगा दोस्तों सरसों का तेल, थोड़ा थोड़ा आ रहे बेटा, ज़्यादा मत आ, एकदम से तेल गिर जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हाथ दिया हमें, इस तरह देते हैं। ये तो गर्म चीज़ है और ऊपर से सरसों का तेल पड़ गया। तो दोस्तों अभी इसको, अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तैयार करेंगे, तैयार करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं था दोस्तों, इसीलिए इतना में ही बनाएंगे और खाएंगे। फिलहाल दोस्तों हमारा भेलपूरी रेडी हो चुका है, इसे मुड़ी मिक्सर बोलें या भेलपूरी बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो सादा सिंपल है दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं अभी आपको खा के बताऊंगा। ये रहा एक निवाला, आ जा यार, आ जा आ जा, हाँ एक निवाला, देख के तो दोस्तों मुंह में पानी आ गया। झाल मुड़ी बढ़िया बनाया दोस्तों, बढ़िया सादा सिंपल झाल मुड़ी। तुमको खाना नहीं है, थोड़ा सा खा लो, नहीं खाएंगे।
चिकन मसाला मिलाने से अच्छा लगेगा नहीं? दोस्तों झाल मुड़ी झाल ही होना चाहिए।